हेलो बच्चों, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जान लेते हैं बॉडी पार्ट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किडनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? लीवर है। थर्ड क्वेश्चन है, जो कि तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 60% होती है। फाइव क्वेश्चन, जो पचवा क्वेश्चन हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर जो लिखा हुआ है, लगभग 5 से 6 लीटर होते हैं। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनमें 5 से 6 लीटर खून होते हैं। छठवां जो क्वेश्चन है, सर्वग्राही सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जो ए बी प्लस है, जो कि ए बी पॉजिटिव है, जो सर्वग्राही है, किसी को दे ले सकता है। सातवां क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह त्वचा है। मानव जो है, अब देखिए आठवां क्वेश्चन जो है, इम्पोर्टेंस भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रश्न उत्तर आते हैं। तो आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि मानव मूत्र का जो पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। वहाँ पे देखिए आंसर जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नाइन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। टाइलिन जो है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, जो कि खाते समय पाचन क्रिया तेज करता है। दसवां क्वेश्चन है कि खून मापने वाला यंत्र, फ्रेंड्स देख सकते हैं जो रक्तचाप यानी कि खून मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है खून मापने वाला यंत्र है, नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार पर मिनट धड़कता है, यानी कि 72 पर बार मिनट धड़कता है। 12th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे कमज़ोर जो है हड्डी कौन सी है? तो रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी मानी जाती है। और 13th क्वेश्चन जो है कि मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखे होंगे कि मूत्र जो है वह दुर्गंध देता है, किस कारण देता है? तो वह एक यूरिया के कारण होती है, जो कि यूरिया जो खाने पीने से वो बन जाती है, तो उसके कारण से दुर्गंध देता है। 14th क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि वयस्क जो मानव में कितनी अस्थियाँ होती हैं? वयस्क जो मानव में होते हैं उसकी जो है अस्थियाँ होती है 206 होती है। कितनी होती है? 206। और लास्ट क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन जो है, 15th क्वेश्चन जो है, वो बोल रहा है कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कारण कमी के कारण होने लगती है, क्या होने लगती है? डेंगू बुखार देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को बुखार होने लगते हैं, तो मानव शरीर में जो है किसकी कमी के कारण डेंगू बुखार होने पर कौन सी कमी होने लगती है मानव शरीर में? तो वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं 20,000 30,000, बहुत कम होने लगते हैं, मरने लगते हैं डेंगू बुखार मच्छर जो काट लेते हैं, तो उसकी वजह से जो होती है शरीर की जितनी है सेल्स है वो कमज़ोर होने लगती है फ्रेंड्स दोस्तों। तो वहाँ पे जो है बुखार ठीक नहीं होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। चलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मानव शरीर के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन थे यहाँ पे। तो आप इस तरह से वीडियो को लास्ट तक देखें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन